बिना फटे क्रिस्पी से आलू का पराठा आज हम देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन, नोमज किचन में आपका स्वागत है। आप यहाँ पे देख सकते हो आलू का पराठा हमारा कितना अच्छा बना है। अंदर तक उसका स्टफिंग अच्छी तरह से स्टफ हुआ है और ऊपर से आपको दिख भी रहा है। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हो, फिर बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो। वीडियो लास्ट तक देखिए, चलिए फिर देखते हैं रेसिपी हम कैसे बनाएंगे। आलू लिए थे, उसे उबाल लिया था, ठंडा करने के बाद उसे कद्दूकस कर लिया है। अच्छी तरह से आपको कद्दूकस करना है। उसमें डालने वाली हूँ हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हुई धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, धना जीरा पाउडर, स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग का डो यानी कि स्टफिंग हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसे मैं इसी तरह से रोल करके रखूँगी, यानी कि पराठे में स्टफ करना आपको आसान पड़ेगा। तो इस तरह से सब रोल में रेडी कर लूँगी। गेहूँ का आटा लिया है, उसमें डालने वाली हूँ स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा तेल 1 टेबल स्पून और 4 चम्मच बेसन। बेसन से हमारे जो पराठे हैं ना, बहुत खस्ता बनेंगे और क्रिस्पी भी, इसलिए बेसन यूज़ करना ज़रूरी है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम लोग रेडी कर लेंगे। आटा हमारा रेडी हो चुका है, इसे रेस्ट होने के लिए मैं छोड़ने वाली हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। थोड़ा सा आटा निकाल लिया है और हाथों से उसे गोल कर लिया है। उसमें डालने वाली हूँ हमारा स्टफिंग, थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से मैं लगा रही हूँ। इसे हम पैक कर लेंगे। ऊपर का आटा एक्स्ट्रा से निकाल लेंगे, वापस से सूखा आटा लगाना है और हल्के हाथों से आपको पराठे को बेलना है। सबसे पहले हम हाथों से इस तरह से उसे स्प्रेड कर लेंगे, यानी कि अंदर का स्टफिंग है ना, सब तरह से आसानी से फैल जाएगा। और फिर इसे हम इसे बेलने वाले हैं, पतला ही हम इसे बेलेंगे। आप चाहे तो मोटा भी रख सकते हो। तवे के ऊपर डालने वाली हूँ हमारा पराठा। यहाँ पे मैं ऑयल या बटर कुछ भी यूज नहीं कर, दोनों साइड से पराठा थोड़ा सा सेकने के बाद ही उसके ऊपर मैं ऑयल लगाने वाली हूँ। एक साइड से हमारा पराठा है ना पक गया है, हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम इसे सेकने वाले हैं। दोनों साइड से हमारा थोड़ा पराठा थोड़ा थोड़ा पक गया है। अब इस ऊपर डालने वाली हूँ घी, घर का बनाया हुआ घी में डाल रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल भी या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हो। अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे और इसे मैं पलट दूँगी।
और दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैं थोड़ा सा घी इसके ऊपर लगा लूँगी। और गैस की फ्लेम स्लो कर दी है, स्लो गैस पे ही पराठे को मैं सेकने वाली हूँ। क्रिस्पी सा पराठा रेडी हो चुका है, इसका कलर भी बहुत प्यारा आया है। हम इसे निकाल लेंगे, बाकी के पराठे भी इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, क्रिस्पी से आलू के पराठे खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। इसे आप दही और अचार के साथ खाइए, या फिर सॉस के साथ, या हरी चटनी के साथ। आप रेसिपी घर पे जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो किसी भी कारण से अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नौमिस किचन।